एक बार फिर चर्चा में है राजस्थान की लेडी डॉन। 20 साल की उम्र में कैसे बनी डॉन, जानिए डॉन बनने की बेहद दिलचस्प कहानी। लव ट्रायंगल जिसमें फंसकर रेखा बनी डॉन। करौली पुलिस को रेखा मीना की कई दिन से तलाश थी, जबकि वह इन दिनों जयपुर में फरारी काट रही थी। जयपुर पुलिस लेडी डॉन रेखा मीना को करौली पुलिस के हवाले करेगी। महज 20 साल की उम्र में रेखा मीना के राजस्थान की लेडी डॉन बनने की पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है। शराब पीते हुए के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और गालियां और धमकी देने वाली रेखा मीना के लेडी डॉन बनने से पहले जानिए कि आखिर वह किस मामले में गिरफ्तार की गई है। डीसीपी राजीव पचार के अनुसार 29 नवंबर 2022 को करौली कोतवाली पुलिस थाना इलाके के 19 वर्षीय योगेश जादौन की हत्या के प्रयास में रेखा मीणा को पकड़ा गया है। योगेश जादौन ने करौली कोतवाली पुलिस को पर्चा बयान देकर बताया था कि वह दोपहर 2:30 बजे स्कूल से घर लौट रहा था। अंजनी माता मंदिर के पास वीरवास रोड पर चार लड़के और दो लड़कियां शराब पी रहे थे। शराब पीने से टोकने पर बंदूक निकाल कर गोली मार दी। पीठ में गोली लगने से योगेश घायल हो गया था, फिर आरोपी वहां से फरार हो गए थे। पुलिस जांच में लेडी डॉन रेखा मीना का नाम सामने आया तो पुलिस ने इसकी तलाश शुरू की। रेखा मीना करौली से भागकर जयपुर आ गई और यहां फरारी काटने लगी। मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रेखा मीना जयपुर के रामनगरिया पुलिस थाना इलाके में आई हुई है। पुलिस ने जयपुर के जगतपुरा में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। लिहाजा 20 वर्षीय रेखा मीना राजस्थान के करौली जिले के टोडा भीम के गाँव नांगलभाट के रहने वाले कमल मीना की बेटी है। इनकी मां का निधन हो चुका है, पिता मजदूरी करते हैं। रेखा मीना करौली से पढ़ने के लिए जयपुर आई थी। यहां करौली जिले के कुड़गांव पुलिस थाना के कुख्यात बदमाश अनुराज मीना से दोस्ती हुई, फिर इनके हिस्ट्री शीटर पप्पूलाल मीना गैंग से दुश्मनी हो गई। इसी साल 20 जनवरी को भी करौली जिले के कुड़गांव पुलिस ने रेखा मीना को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर धमकी भरा वीडियो पोस्ट करने पर हुई थी। खबर तो यहां तक है कि अनुराज मीना और पप्पूलाल मीना कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। अनुराज मीना ने अपनी प्रेमिका रेखा को पप्पू से मिलवाया तो पप्पू और रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ गई। इसी वजह से अनुराज और पप्पूलाल के बीच दुश्मनी हो गई। अनुराज से दोस्ती के चलते रेखा भी पप्पू की दुश्मन बन गई और धीरे धीरे अपराध के दलदल में फंसती चली गई। विरोधी गैंग के सदस्यों को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी भी देने लगी। रेखा मीना उस वक्त भी खूब सुर्खियों में रही जब सोशल मीडिया पर अपने दुश्मन पप्पू मीना के सपोर्ट में कमेंट करने के कारण रेखा ने लाला कोडिया से भी दुश्मनी ले ली थी। और लाला कोडिया को सबक सिखाने के लिए रेखा मीना अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर लाला कोडिया के घर के बाहर पहुंच गई थी। इस पूरी घटना का रेखा मीना ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो शेयर किया था।